ईवीएम से वीवीपैट की पर्चियों का 100% मिलान की मांग की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा संदेह के आधार पर आदेश जारी नहीं कर सकते। अररिया की रैली में पीएम का विपक्ष पर प्रहार का इंडी गठबंधन ने ईवीएम को किया बदनाम। ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए। लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग जारी, त्रिपुरा में 1 बजे तक सबसे ज्यादा 54% मतदान, बंगाल में 47%, यूपी की 8 सीटों पर 36% मतदान, बिहार महाराष्ट्र में सबसे कम घरों से निकले वोटर। बंगाल के बालूरघाट में मतदान के दौरान हिंसा, बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया मारपीट का आरोप, बीजेपी समर्थकों ने वोट डालने से रोकने का लगाया आरोप, बीजेपी ने मारपीट का वीडियो भी जारी किया। पश्चिम बंगाल के मालदा से पीएम मोदी का ममता सरकार पर बड़ा प्रहार, कहा टीएमसी लोगों को लूटने का मौका नहीं छोड़ती, संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए। पार्टी मानुष की बात कहकर सत्ता में आई टीएमसी ने सबसे बड़ा विश्वासघात यहां की महिलाओं से किया है। संदेश काली मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, बंगाल में कई जगहों पर सीबीआई के छापे, भारी तादाद में हथियार, नकदी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद, 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में गिरफ्तार आर्म्स सप्लायर को 30 अप्रैल तक मुंबई क्राइम ब्रांच की कस्टडी में भेजा गया, मुंबई क्राइम ब्रांच ने पंजाब से कल किया था गिरफ्तार। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़ा दंगल, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 88 सीटों पर वोटिंग जारी है। उत्तर प्रदेश में दोपहर 1 बजे तक 35.73% मतदान हुआ है। अलग अलग शहरों का आपको हाल बता रहे हैं कि अब तक कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है, 2 बज चुके हैं। असम में 46.31% मतदान हुआ, जबकि बिहार की बात करें तो 33.80% मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ में अब तक 53% मतदान हो चुका है, जबकि जम्मू कश्मीर की बात करें तो 43%, कर्नाटक में 38.23% मतदान हुआ, केरल में 39.26%, मध्य प्रदेश